नाउ नेक्स्ट मेथड इज सब्ट्रैक्शन थिंग वंस कॉम्प्लीमेंट. लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो क्या था कॉम्प्लीमेंट का. अब हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है 1010. इट इज बाइनरी फॉर्म फ्रॉम 1111. ओके क्वेश्चन ये है हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है सिस्टम को और किस में से सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से. तो इसमें क्या करेंगे स्टेप नंबर वन फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1010. और मैं टेक्निकल ऐसे लिख 1111 माइनस 1010 ऐसे लिखेंगे राइट. तो उसमें क्या करते थे जो जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेते थे. इसमें हम क्या करेंगे जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे. तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा 0101 राइट. तो लास्ट में हम क्या करेंगे फिर से जो ये नंबर है इसमें ऐड कर दे ये वाला नंबर है इसमें ऐड कर देंगे. तो प्लस 1010 ऐड कर दो. नहीं सॉरी इस नंबर को नहीं ऐड करेंगे सॉरी जो हमारे पास रिजल्ट आया 0101 इस नंबर को ऐड कर देंगे 1111. सेम वैसे ही है जैसे टूस कॉम्प्लीमेंट में करते थे बस यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट की जगह वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है. तो 1+1 कितना हो जाएगा 0 फिर से 1 कैरी 1+1 2 फिर से 1 कैरी 1+1 2 और 0+1 1 फिर से 1 कैरी 1+1 0 और 1 कैरी जिसको हम क्या कर देते हैं डिस्कार्ड कर देते हैं. तो फाइनल आंसर तुम्हारा नहीं ये आ गया तुम्हारे पास. इसका फिर से तुम्हें क्या लेना होता है कैरी आ गया. अगर कैरी नहीं आता तो कोई दिक्कत बट अगर कैरी आ रहा है तो मैं 1 और ऐड कर देना. तो 0100 प्लस 1 तो आंसर इज 0101. ये है तुम्हारा फाइनल आंसर. अगर तुम्हें डाउट हो तो तुम क्रॉस चेक कर लो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो और आंसर को डेसिमल में करो तो तुम्हें पता लग जाए.